गाइज अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हम लोग हैं मनाली में, कल रात में ही आ गए थे हम लोग और फिर अभी हमारी गुड मॉर्निंग हो गई। और पहले तो मैं आपको पूरा बाहर का व्यू दिखा देता हूँ अपने रूम से। तो ये देखो आज व्यू देखो सिर्फ आप, खतरनाक व्यू, खतरनाक व्यू, बहुत भारी। तो चलो फिर अभी अपना ब्रेकफास्ट आ गया है, पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं, भाई लोग रेडी हो रहे, तुम्हारा भाई तो रेडी हो गया है पहले ही। और फिर है इधर का ही प्लान कुछ, तो भी एक दो राइड्स करने वाले भाई लोग, मतलब क्या पैराग्लाइडिंग वगैरह करना है, मैं तो नहीं करने वाला है कुछ, पर देखते फिर अभी पसंद आए तो कर ले भाई। भाई कब से तेको बोल रहा रेडी हो, रेडी हो, कब से ऐसे घूम रहे ले खाली, जाना रेडी हो जल्दी, कब से मेरे पहले उठा है और सिर्फ बाजू में बैठा है। भाई मैं जाऊँ किनारे, अरे मैं बोला जा तू जा तू जा, आधा एक घंटा में वैसे बैठा रहा, फिर बाद में बोला अभी तू बैठ, मैं मेरा जाके नहा के आता। तो चलो पहले ब्रेकफास्ट आ गया अपना। अरे ऑमलेट नहीं भैया लगती थी, क्या आया है भाई ब्रेकफास्ट में? ऑमलेट, हाँ बोल, उठी के नहीं आती, उठला उठला। ओ डॉन उठो, गुड मॉर्निंग, चल जल्दी नहाने जा, प्रणीत भाई लगता वॉशरूम में ये चलेगा। यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत है ना, मतलब ऐसे लग रहा है यहाँ पे ऐसे देखते बैठू मस्त, और अल्फिया की याद आ रही। ये देखो यार, मतलब इतना भारी लग रहा है ना, रात में तो इतनी खतरनाक बारिश थी और अब भी थोड़े टाइम पहले इधर बारिश की वजह से मतलब वो डैम का एक प्रॉब्लम हो गया था, बहुत से रास्ते भी इधर अभी तक वैसे ही खराब है, मतलब टूटे हुए है आधे, पर थैंक गॉड के कुछ हुआ नहीं, अच्छे से आ गए वगैरह सब हो गया। अभी जल्दी से खाते और फिर अपना कुछ तो है प्लान, वो देखते कैसे क्या क्या करने वाले भाई लोग, और फिर यहाँ से हम लोग को जल्दी से निकलना है चंडीगढ़ के लिए, फिर आज चंडीगढ़ में स्टे करेंगे। वैसे अभी ये अपनी रिटर्न जर्नी चालू हो गई, अभी कुछ घूमना फिरना नहीं है, सिर्फ घर पर जाने का रिटर्न जर्नी, सिर्फ ड्राइव करनी है, रात में सिर्फ रुकना है, सोना है, उठना है और निकलना है बस। तो आज का ब्रेकफास्ट ये खूबसूरत व्यू के साथ। चलो गाइस फिर अभी निकलने का टाइम आ गया, सब भाई लोग रेडी हो गए, तो अभी निकलते हैं फिर से एक बार, लास्ट बार बाय कर देते हैं ये ब्यूटीफुल से व्यू को। तो चलो फिर गाइस अभी निकलने की तैयारी, और कल जो अपने गाड़ी में जो कीला लगा हुआ था वो मतलब यार अलग ही निकल गए वो कीला, और कुछ भी पंक्चर विंक्चर भी नहीं है गाड़ी अपनी माशाल्लाह। मतलब यार मैं सच्ची हैरान हो गया कि इतना बड़ा कीला था, मैं डर डर के धीरे धीरे ला रहे थे गाड़ी हम लोग आगे, पर भाई खतरनाक वो कीला ही गायब हो गया और टायर को भी कुछ हो गया नहीं, क्या मालूम कैसे क्या। देखो गाइस जो पहले अभी बीच में हुआ था ना यहाँ पानी के वजह से, ये सब ऐसे नुकसान हो गए, पूरे रास्ते ही पूरे टूट गए। अभी हम लोग आ गए भाई लोग को इधर पैराग्लाइडिंग करनी, और यहाँ पे एप्पल के झाड़ देखो कितने मस्त एप्पल दिख रहे। एम भाई को भी पैराग्लाइडिंग करने होने का सोचा भी है कि जिंदगी में नहीं सोचा ना भाई। और सुनो प्रनीत भाई, दिक्कत ये है कि बंजी जंपिंग करवाता मेरा कजन भी, पानी का फ्लो बढ़ गया तो इसीलिए अभी आपको राफ्टिंग नहीं मिलेगा कहीं, ना आपको बंजी जंपिंग मिलेगा। ठीक है चलेगा, कब का आपने जाना, जाओ इतना अच्छा मौसम मिलता नहीं 10 दिन पैराग्लाइडिंग के लिए। अरे भाई मजा आएगा, मैं बोलूंगा जितना टाइम लगता उतना लगाओ। भाई यार ये जबरदस्ती करवा रहे मेरे से पैराग्लाइडिंग पर, मेरी बहुत वाट लग रही है, नहीं करने का मन है फिर भी यार ये जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा मोहन भाई 4,500 फीट एक नंबर, इससे बड़ी करनी है तो फिर एक 7,000 फीट, 100-200 फीट की नहीं है क्या? कौन सी करने का भाई, कुछ नहीं होता, मैं भी पहली बार कर रहा भाई। अभी लेके जा रहे ऊपर, मेरे को कुछ समझ रहा ही नहीं, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। ए भाई मैं नहीं कर रहा, टोपी कराई चाहे फालतूगिरी बंद कर, कराई काय ना होत, कराई तो म्हणजे कराई तो फालतूगिरी बंद कर। ये किसका कहते हो एम भाई, उसको मालूम है उसको करने नहीं देने वाले, करके फुकट हवा कर रहा, मेरे को करने का है पर ये लोग करने नहीं दे रहे। ऊपर तो आ गए ले भाई, और ऊपर लेके जा रहे हैं, कहाँ से लेके जा रहे भाई, वाट लग गई था।
इनके साथ लेडीज रहते, वो बैग लेके नीचे से ऊपर चलते, मानना मनता है यार सीरियसली, के ऊपर वहां से भागने गए और फिर क्या मालूम जो अल्लाह पाक को मंजूर रहेगा वो होएगा। इधर ही थक गए, पहले जा रहे शेर से भाई, फिर देखते कौन जाता है। मेरा तो मन कर रहा है जाऊं नीचे आप लोग चुपचाप। हाँ क्या मेरा बंद है अभी, सीरियसली जो लग रहा है वो बोल भाई। पत्ती ले मम्मा पढ़ लेता मैं, ला इला इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूल। अगर आप भागोगे नहीं तो पायलट कैसे भागेगा पीछे से, क्योंकि वो आपका साथ साथ भागा। भागते भागते कभी नहीं ऊपर आ गया, अरे यार गिरोगे नहीं ना, आप गिरोगे ठीक है, खड़े खड़े भागोगे, उड़ जाओगे, रेस्ट इन पीस। ठीक है उड़ जाओगे, बैठ गए तो गिरोगे। ओके तौफीक, कितना मोटिवेट है आपका तौफीक, तौफीक 55 शिशु ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। अरे पी मेरे हाथ में नहीं भाई, आपके हाथ में है, उसके बाद मेरे हाथ में। ठीक अपना उड़ जाएगा ना भाई, ठीक है बैठने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना ठीक है। तो ये काम में कुछ रहेगा, लेट्स गो। ए साइको पीछे खींच खींच, ए ग्रुप के खींच। भाई बत्तिया गोल। A few moments later.
साहब फटे तो फटे नवा भी ना घटे। इधर देखो वीडियो बन। थैंक यू सब कुछ बन रहा है भाई। एक्सपीरियंस बोले तो खत्म भाई लाइफ में, मतलब मैंने इतना डेंजर एक्सपीरियंस कभी नहीं लिया है। खतरनाक था एक्सपीरियंस, मेरे को खुद को विश्वास नहीं हो रहा है भाई। वहां से पूरा ये गोल घूम के मैं इधर आ गया, इधर इधर ठप करके गिर के लैंड हो गया। खतरनाक, अभी भी ऐसी बॉडी ये हो रही है। पर सीरियसली भाई, चंडीगढ़ में है ना, थैंक गॉड अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मजा आया और कुछ वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। और हमारे माइकल भाई ने इधर हमको एप्पल दे दिया है झाड़ का मस्त तोड़ के, तो अभी फुल जरा खाते। तन्नू भाई को भी फुल स्टंट चालू है। चलो गाइस फिर अभी निकलते हैं। मस्त खतरनाक एक्सपीरियंस था सीरियसली, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए कि कितना मजा आया। बस और देखो अभी हो गया अपना पैराग्लाइडिंग और बारिश भी चालू हो गई, सब एकदम अच्छे से हो गया। हमारे माइकल भाई ने भी एप्पल्स दिए उनके फार्म के, थैंक यू भाई, बाय बाय, थैंक यू, सी यू सून, यस ब्रो। तो चलो गाइस फिर अभी मनाली को भी बाय करने का टाइम आ गया, अभी नेक्स्ट स्टॉप चंडीगढ़। भूख लगी गाड़ी को, अभी यहाँ से डीजल भरते, यहाँ पे सामने टायर का है, एक बार फिर से टायर चेक करा देते और फिर निकलते भाई। इधर था सिर्फ ऊपर ही लगा हुआ था। हम लोग आए मॉल रोड, भाई लोग को यहाँ मोमोज खाने थे, तो अभी तन्नू भाई वो वहाँ से मोमोज लेके आ रहे, मोमोज खाएंगे और फिर निकलेंगे बाबा। बहुत देर से तन्नू जान खा रहा था मोमोज मोमोज मोमोज। मोमोज आ गए, कैसे भाई? भाई भी आया चाट लेके हमारे लिए। फिर ऑलमोस्ट पहुंच गए हम लोग चंडीगढ़, सिर्फ आधे घंटे का ही रास्ता है। तो पहले हम लोग रुक गए अभी इधर खाना खाने के लिए मंजीत्स, तो भाई लोग ने लास्ट टाइम खाया था इधर, तन्नू भाई और मोहन भाई आए थे तब, तो उनको खाना अच्छा लगा था, तो इसलिए फिर रुक गए इधर खाना खाते और फिर जाएंगे जल्दी से आगे। हाँ राइट, बटर चिकन में बटर है, बटर आए कटी हंस रहे ले खा रहे कम हंस रहे ज्यादा। तो गाइस फिर अभी हम लोग आ गए हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट। एक्चुअली अपने प्रनीत भाई को थोड़ी इमरजेंसी थी, इसलिए फिर भाई की फ़्लाइट बुक कर दी और भाई फ़्लाइट से जाने वाला है, तो सुबह की अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है, तो भाई को इधर छोड़ रहे, भाई रुकेगा इधर और हम लोग जाएंगे होटल में मस्त थोड़ा देर सो जाएंगे और फिर सुबह उठ के निकलेंगे जाने के लिए। Tomorrow. तो गाइस फिर कल रात में हम लोग पहुंच गए थे चंडीगढ़ और वहां से फिर थोड़ा सा और आगे आ गए हम लोग, और थोड़ी ही दूरी पे अभी यहाँ से अपने को अम्बाला हाईवे लग जाएगा, तो कल थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए फिर हम लोग रुक गए और फिर आके मस्त सो भी गए, अभी उठ के फ्रेश हो गए, तो अभी निकलते घर पे जाने के लिए। तो इसी के साथ ये ब्लॉग को अपन इधर ही एंड कर देते और ये सीरीज को भी एंड कर देते। उम्मीद करते कि आपको पूरी सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी, और मतलब ये मेन जो रहता है ये लद्दाख ट्रिप जो रहती है, ये मेन पूरी ट्रैवलिंग की ट्रिप थी, मतलब सिर्फ सो उठो मस्त ट्रैवल करो, और मतलब ट्रैवल में ही मज़े थे, मतलब ऐसा नहीं था कि एक लोकेशन पे जाने फिर वहाँ पे ही मज़ा आएगा आपको। अब जो ट्रैवल करते रहोगे करते करते आगे जाओगे, जो दिखता है सब भारी भारी वही सब मज़े थे। तो उम्मीद करते कि आपको ट्रिप देख के मज़ा आई होगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपन दूसरी ट्रिप करेंगे, अभी फैमिली के साथ करेंगे इंशाल्लाह। तो ये व्लॉग को एंड करते, उम्मीद करते कि आपको व्लॉग देख के मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना,
और अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। होटल से कुछ ऐसा व्यू था अपना।